अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तसव्वुर परवीन एंड माय रोल नंबर इज़ 703। क्रिएट अ फाइल योर डेटाबेस, जो कि हमारी आज एक्सरसाइज है। पहले मैंने इससे पीडीएफ में जो हमारी पीपीटी बनी हुई है उसको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे। जैसे क्रिएट अ फाइल जियो डेटाबेस, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफर्ड बाय द फाइल जियो डेटाबेस, इट इज़ रिकमेंडेड टू माइग्रेट डाटा स्टोर्ड इन अ पर्सनल जियो डेटाबेस to a file geodatabase. This exercise teaches the step involved in the process. In this step, you will create a new file geodatabase. In upcoming steps, you will populate this geodatabase with data from other source. तो इसमें हम जो next जो हम steps करेंगे वो इसमें सबसे पहले तो मैंने इसकी PPT बनाई हुई है। मतलब PPT को आप बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ही हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो इसके स्टेप्स हैं वो 6 तक हैं। आर्क टूल बॉक्स करेंगे। आर्क टूल बॉक्स करने के बाद हम उसमें जो है वो क्लासेस ऐड करेंगे, जो हमारा डाटा फाइल्स है वो ऐड करेंगे। फिर उसको हम पाथ देंगे, वहाँ से हम फोल्डर कनेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने अपना फोल्डर रखा होगा पीसी में। फोल्डर कनेक्ट करने के बाद हम इसे, ये अभी फोल्डर ऐड हो रहा है, उसके बाद हम इसे पाथ देंगे। यहाँ से हम इसे जाके एक्सपेंड करेंगे विर्चुअल कंप, जहाँ पे अल्फा कंट्री के नाम से हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखें सारी क्लासेस जो हैं इसकी यहाँ पे 1 से 6 तक आपको नज़र आ रही हैं। और उसके बाद हम अल्फ़ा कंट्री को जो एक्सपेंड करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, DFC और मेजर रोड्स और स्टडी, ये सब क्लासेस यहाँ पे जो है वो प्ले हो रही हैं। उसके बाद हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे और रास्टर डेटा सेट करेंगे। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा उसे। उसके बाद क्रिएट रास्टर डाटा सेट नेम विद एक्सटेंशन, उसमें जाएंगे और रास्टर डाटा सेट में अपना नाम देंगे Study 3 के नाम से, या आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद इसे ओके करेंगे। क्योंकि ये कंटिन्यू इसमें थोड़ा टाइम लेगा। क्लासेस जो हैं इसकी सारी Study 3 के नाम से देखें क्लासेस आ गई हैं सारी यहाँ पे। क्रिएट रास्टर डाटा सेट करना है, फिर कैटलॉग में जाना है और उसके बाद Study 3 पे राइट क्लिक करना है, सॉरी, और अल्फा कंट्री पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और उसको लोड डाटा करना है। लोड डाटा करने के बाद हमने मोज़ेक में जाना है, फिर कैटलॉग ऑन करना है और एरियल वेस्ट साइड को हमने 1 बाय 1 जो है वो ड्रैग करना है वहाँ पे। ये सारी अलग अलग जो है वहाँ पे ड्रैग हो जाएंगे। ये देखें ड्रैग करने के बाद वहाँ जो है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये सारी 1 बाय 1 जो है वहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। उसके बाद हमने मोज़ेक करना है, और मोज़ेक करने के बाद इसकी जो देखें ये क्लियर पिक आ रही है, कुछ जो हर इसका फीचर्स है वो अलग अलग नज़र आ रहा है और ज़्यादा क्लियर है और हमें शार्प नज़र आ रहा है। और उसके बाद अल्फा कंट्री पे जाके हमने न्यू में जाना है, फिर रास्टर डाटा सेट करना है। रास्टर डाटा सेट करने के बाद फिर रास्टर कैटलॉग नेम देना है इसे, Study 4 के नाम से, और फिर ओके करना है इसे।
अब फिर क्रिएट रास्टर कैटलॉग करना है। और उसके बाद स्टडी फोर पे जाना है। फिर हमने वही करना, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने चेक करना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी मतलब सीक्वेंस से आ रही हैं, उसके जो नेम्स हैं या जहाँ पे हमें कोई डाटा ऐड करना तो वो हम दोबारा ऐड कर सकते हैं, या उसके जितने फीचर्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हमने फिर जो है स्टडी फोर पे लोड पे जाके न्यू पे क्लिक करना है, लोड करना है, लोड रास्टर डाटा सेट्स करना है। और फिर हमने रास्टर टू यू डेटाबेस मल्टीपल में जाना है। यहाँ से हमने जो है अपना एरियल वेस्ट साइड उसको आप ड्रैग कर लेना है, फिर एरियल साउथ साइड को ड्रैग करना है, एरियल ईस्ट साइड को और एरियल फाइव साइड को, एरियल 2, 3, 1 जो भी है आप सीक्वेंस से कर सकते हैं, या वैसे अगर सीक्वेंस से नहीं है तो रैंडमली भी आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी जो क्लास है उसको पहले या बाद में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखें ये थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में। ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद ये हमें जूम इन और जूम आउट करके हम देख सकते हैं कि एक एक जो इसका फीचर है वो हमें अलग अलग उसकी मोज़ेकिंग और उसका सब कुछ जो है शार्प नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। उसकी हर क्लास मतलब वन जो वन से लेके सिक्स तक जितनी क्लासेस हैं वो उसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कि हर की जो है वो अलग अलग अपनी शार्पनेस है और अपनी क्लियरनेस जो उसकी पिक्स हैं वो एक इमेज जो है वो हमें एक क्लियर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने स्टडी फोर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हम रास्टर कैटलॉग में जाके इसे स्टडी की फिर प्रॉपर्टीज़ में भी जाके हम देख सकते हैं कि ये जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं या वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी हैं।